नमस्कार दोस्तों, अभी हम लेटे हुए हैं खटिए पे। तो अभी ये हम एक छान के नीचे लेटे हुए हैं। चलिए हम आपको छान दिखाते हैं कैसे दिखता है। तो ये है, एक खटिया है हमारा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए ये छान है। चलिए हम आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऊपर लगा हुआ है, पूरा बना हुआ है पिलर। ये यहाँ से इसको सपोर्ट दिया गया है, ये ईंटे का पूरा सपोर्ट दिया गया है यहाँ पे। और साइड साइड में बांस से बना हुआ है। और यहाँ पे सरपत लगा हुआ है, सरपत बांस से इतना अच्छा बना हुआ है। जो कूलिंग इसमें है बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ऊपर एक देखिए रखा गया है, एक छन्नी है जिससे जो है पूड़ी उड़ी छाना जाता है। तो ये है। और इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है चरी काटने वाला, वहाँ पे चरी है। और इधर से फर्राटा पंखा भी लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, जस्ट लाइक जैसे आप एसी में रहते हैं उससे तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल पूरा हवा लगता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है घास पीटने वाला, या आप चाहें तो इससे कपड़ा भी पीट सकते हैं। ये लकड़ी का बना हुआ, देखिए कितना अच्छे से बनाया गया है। ये पहले के ज़माने में यूज होता था। और ये एक है पंखा, अभी कौन सा पंखा है तो हमें भी नहीं पता दोस्तों। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एक लालटेन रखा हुआ है, बहुत ही पुराना ये लालटेन है। तो ये अभी ख़राब हो चुका है। और इधर आप देख सकते हैं फावड़ा रखा है। और ये है बेड़ी जो सर पर रखा जाता है, ऐसे सर पर लगाते हैं, इस पर कुछ उठाना हो तो इससे आप उठा सकते हैं, जो ताकि सर पे दुखे ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है पूरा बाहर से पूरा लुक, ये छान है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं छान को, ऊपर से भी सरपत रखा गया है और बांस से पूरा इसको लगाया गया है। और वहाँ पे देखिए देखिए कितने अच्छे से जो है, एक भैंस है, भैंस के बगल में वो कौवा बैठा है। तो वहाँ पे जो उसके क्लिनी फ्लिनी लगा रहता है, कौवा जो है उसको पूरा खा जाता है। एक यहाँ पे उसका बच्चा वो रखा हुआ है। और ये भी दोस्तों एक छान है जो पटरे से रखा है। इसमें जो है इस भैंस के लिए और उसके बच्चे के लिए यहाँ पर भूसा वूसा रखा गया है। देखिए अंदर हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए भूसा वूसा है। और इसमें ये बाहरने वाला पूरा, इसमें झाड़ू, इसमें ये बहुत अच्छे से बाहर आ जाता है। तो ये पूरा द्वार है, इसे पूरा बाहर आ जाता है। और गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ही बहुत ही, इसको सीताफल बोलते हैं। देखिए इसमें कितना प्यारा प्यारा सीताफल लगा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इधर है, कितना पास में मैं इसको अपने हाथ से ही पहुँच जा रहा हूँ। इधर में देखिए छोटा छोटा सा है, एक 1 2 3 बहुत सारे यहाँ पे सीताफल हैं। तो ये मैं अपने जीवन में पहली बार जो है सीताफल का पेड़ देख रहा हूँ। तो आप लोगों में से कौन कौन सीताफल का पेड़ देखा है दोस्तों, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और देखिए इस झोपड़ी के बगल में ही एक बड़ा सा पुराना सा एक महुआ का पेड़ है। देखिए कितना पुराना पेड़ है।